हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बेसिकली अगर हम सिंपल सिंपल जाएं, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोड को किसी भी सॉल्यूशन में डिप करें और वहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होकर या वहां पर सॉल्यूशन में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज और रोड पर नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बने और जो उनके बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक रिडक्शन पोटेंशियल। जो अपनी ऑक्साइड एनोड वाली वहां पर होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिडक्शन वाली साइड होगी उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ से ही हमारा ई नोड सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल निकलता है यहाँ से, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। ये हम यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन रिडक्शन से करेंगे, क्योंकि अगर हम कभी कोई क्वेश्चन रिडक्शन से कर रहे हैं कोई क्वेश्चन ऑक्सीडेशन से करते हैं तो हमारा उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप रिडक्शन में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे हम सीरीज भी रिडक्शन पोटेंशियल की ही याद करेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी उसको भी हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही पढ़ेंगे। अब आगे अपना फर्दर डिस्कशन प्रोसीड करते हैं और हम बात करते हैं नर्स इक्वेशन पे। डेरिवेशन 90% चांसेस है कि पेपर में आना ही है कि दो नंबर में। अब नर्स इक्वेशन का जो डेरिवेशन स्टार्ट होता है होता है कि जी इज इक्वल टू जी नोट प्लस आर टी लोग क्यू। ये यहाँ पर स्टेटमेंट हमको लिखना होगा, ये रट्टा मार लो याद कर लो ये कि जो नर्स इक्वेशन का डेरिवेशन वो यहीं से स्टार्ट होगा। अब हमें पता था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा, ये हमें पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के स्टार्टिंग में करते हुए। वहाँ से एन एफ माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू एन एफ डेल्टा ई नोट प्लस आर टी लॉग क्यू। अब यहाँ से एन एफ को हम नीचे लेते आएंगे तो ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग क्यू। वहाँ पर हम आर की वैल्यू रख देंगे और लॉग को हम नेचुरल लॉग एल एन था, वहाँ से हम 2.303 मल्टीप्लाई करके लॉग 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। और अपना टेम्परेचर हम इसको अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ कर रहे हैं तो केल्विन में यूज़ करते हुए 298 लिखते हुए इसको हम आगे यूज़ करेंगे। उसका फिर फाइनल रिजल्ट आता है तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। न्यूमेरिकल मस्ट आने हैं एग्जाम में तो मस्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल डेरिवेशन बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल पढ़ के जाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। तो ईएमएफ तो हमारी होगी जब तक हमारे यहाँ पर सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और कोई भी जो उसकी वोल्टेज है वो कहीं भी पोटेंशियल यूज नहीं हुई, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी सेल की पोटेंशियल है उसको हम ईएमएफ कहेंगे। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाए जो करंट फ्लो होना या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। ई एम एफ विल ऑलवेज भी कॉन्स्टेंट, ई एम एफ जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब जो बिना यूज करी जो सेल उस सेल की वैल्यू है वो ई एम एफ है, वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। स्टार्टिंग में ई एम एफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है एक रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड इक्विलिब्रियम रीचेस ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एंड रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड, दैट आई नो वर्क विल बी डन। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग क्यू। यहाँ से फाइनल रिलेशन की अगर हम बात करें, लॉग केसी बी एस टेल इज इक्वल टू माइनस पॉइंट माइनस एन एफ ई नोट अपॉन 2.303 आर टी। याद करने वाला है, काफी अच्छा रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लॉग केसी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 0.0591, सिंपलेस्ट रिलेशन जो उसका आता है। लॉग केसी बी एस टेल इज इक्वल टू माइनस एन ई माइनस एन ई नोट, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रही होगी या फिर हमको निकालनी होगी बाय द फॉर्मूला फी कहते हो, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड, वहां से जो निकलेगी वो इसको हम रख देंगे लॉग केसी बेस 10 इज इक्वल टू माइनस एन ई अपॉन 0.0591। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, लॉग केसी बेस 10 इज इक्वल टू एन ई अपॉन 0.0591। अगेन लॉग केसी बेस 10 इज इक्वल टू एन ई माइनस वाला साइन द माइनस में होगी सारी साइड अपॉन 0.0591। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, वाट आर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड हैं जिससे हम जिनकी हेल्प से हम किसी और चीज़ की रिडक्शन जिस किसी और चीज़ की पोटेंशियल निकाल सकते हैं। रेफरेंस मतलब उस किसी चीज़ का सहारा लेते हैं दूसरी चीज़ की वैल्यू निकालना, उसको हम रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इसी तरह का है, जो कि हम एक इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हुए दूसरे सेल का हम पोटेंशियल निकाले। इसमें एक आता है अपना प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रोड
प्राइमरी में अपना हाइड्रोजन वाला आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड की बात करें इसमें आता है हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, मतलब सेल की एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये सभी जो अरेंजमेंट है सब 25 डिग्री सेल्सियस पे, ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे आप बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट है उन सबका रिडक्शन एक साथ याद कर सकते हैं। मेरे साथ एक बार दोहराएंगे, पहले मेरे को सुने फिर मेरे साथ दोहराएंगे। एक गाना टाइप का है, इससे आपको सभी याद हो जाएंगे। ले के बा सु री का ना, मुझे अले जाना फेको नी, सुनो प्रभात है कुत्ते होंगे आगे और आई बाहर कल फिर। ये जो रिडक्शन ये सीरीज है ये रिडक्शन नीचे आते हुए स्टार्ट हो रहा है। ले के लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, पूरी सीरीज है। मैं इसका आपको पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर एक बार फिर सुने। लेके बासुरी गाना मुझे अले जाना फेंको नहीं, सुनो पर बात है कुत्ते होंगे आगे और आई बाहर कल फिर। एक बार फिर, लेके बासुरी गाना मुझे अले जाना फेंको नहीं, सुनो पर बात है कुत्ते होंगे आगे और आई बाहर कल फिर। एक बार वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और इसको एक दो बार अपने आप रिवाइज करने की कोशिश करें। अब हम आगे बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसी सीरीज के ऊपर, कौन सा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कौन सा जल्दी रिड्यूस होगा, ये सब इसके आते हैं। जो सीरीज है ये नीचे जाते हुए हमारे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब वो अपने आप को रिड्यूस जल्दी करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। कोरोजन आपको बताया, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय सम मोर इलेक्ट्रोलाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीडेशन एंड सल्फर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड सल्फाइड। ऑक्साइड एंड सल्फाइड बनाने के लिए यहाँ पर फॉर्म होता है। इसका भी मैं एक छोटा सा पीडीएफ बनाकर आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ लेना, एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। फिर अगर हम आगे बात करें इसमें यहाँ पर, और इसमें कोरोजन में यहाँ पर इसके प्रोटेक्शन सैक्रिफिशियल मेथड इलेक्ट्रोड वाला बहुत सारे मेथड है, जिंक कोटिंग वाला मेथड है, सभी आ सकते हैं पेपर में, एक दो नंबर है दो नंबर में एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसमें से कौन सा मेथड यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, हम ये सारे मेथड यूज हो सकते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, इन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो सभी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपने आप नहीं होते। ये हमको कैसे पता, क्योंकि हमको यहाँ कराने के लिए बाहर से बैटरी लगानी पड़ती है। याद है ना, जब एनएसीएल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बाहर से एक सेल लगाते हैं जो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी करवाता है, तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है। अब अगर मैं इसको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकालने के लिए क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपको एक दे देगा कंपाउंड, उसको फिर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस में उस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस तो होगा ही, साथ में वहाँ पर वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। वाटर के जो प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेंगे, और जो आपने साल्ट डाला है इलेक्ट्रो साल्ट उसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, तो देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। फिर इसका शॉर्टकट ये है कि अगर कैथोड पर रिडक्शन एट कैथोड रिडक्शन होकर एंड दैट कैटायन विल रिड्यूस फर्स्ट विल वी हैव मोर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कैथोड पे तो रिडक्शन होगा, जो हमारी कैथोड में पता है ना एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल कैथोड का तो सिंपल है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन कैथोड पर होगा, उसका रिडक्शन कैथोड पर जल्दी होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन कैथोड पर जल्दी होगा। फिर अगर हम बात करें एनोड की, एनोड पर अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नेगेटिव आयन दे जिसमें O2 नहीं हो, जिसमें ऑक्सीजन एटम नहीं हो, लाइक क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन सल्फर एक्सेट्रा, तो वो आयन ही ऑक्सीडाइज होगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा नेगेटिव आयन दे जिसमें O2 हो, लाइक NO3 पॉजिटिव PO4 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, तो पानी में OH ऑक्सीडाइज होगा। मतलब कहने का बात है कि हमने कैथोड की बात करी, कैथोड में तो वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एनोड पर हमें यहाँ पर भी डिस्कशन करना होगा, जानना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। हमें पता है कि अगर इसका रिडक्शन हुआ तो वो आयन इसमें पानी में उतरा, मतलब जिसका कैथोड कम है सबसे पहले निकालना होगा, कैथोड कम ने निकाले उसके साथ वाला आइटम अगर वहाँ पर बिना ऑक्सीजन वाला है, बिना ऑक्सीजन सल्फर टू नेगेटिव क्लोरीन टू नेगेटिव, तो उसका वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, वरना वहाँ पर OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा जो कि पानी में से आया है।
याद रखना इस बात को। और जो इसकी रिडक्शन होगी OH नेगेटिव ही, 4OH नेगेटिव विल गिव 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एक आते हैं यहाँ पर राइट अ शॉर्ट नोट इन इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग में यहाँ पर एक प्लेट पे इम्प्योर ले लेंगे, एक पे प्योर ले लेंगे, वहां से इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, डिपोजिशन हो जाएगा, जहाँ पर इम्प्योर से वो प्योर में मेटल आ जाएगा। तो इसके अगर हम पर्टिकुलर आंसर की बात करें, इन इट कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल वाइल एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। मतलब जो एनोड है वहां पर तो हम इम्प्योर मेटल रखेंगे और एनोड पर हम प्योर मेटल रखेंगे। एंड वेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कैथोड रिडक्शन अकर एंड एनोड सेम क्वान्टिटी ऑफ मेटल आयन गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम एनोड एंड कम्स टू सॉल्यूशन। मतलब अगर एनोड पर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ से ऑक्सीडेशन होकर जो अपने जो आयन है वो सारे सोल्यूशन में आ जाएंगे, उस सोल्यूशन से आकर वो फिर वो यहाँ पर कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे और जो बचाए वो खाली इलेक्ट्रो मड बच जाएगा उसमें, एक्वा सोल्यूशन से वो मेटल एनोड कैथोड पर पहुँच जाएंगे। अब आते हैं फेराडे के कुछ लो आते हैं। द अमाउंट फेराडे के दो लो हैं। पहला लो, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो हमने अमाउंट पास जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ किसी भी चीज़ का, जैसे पिछले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करें वहाँ पर जो ML वहाँ पर जो मेटल था उसका जो डिपोजिशन हुआ उसका कितना डिपोजिशन होगा ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है फेराडे। फेराडे का फर्स्ट लो ये बताता है कि जो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा डिपोजिशन होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। सो वर्क डन इज डायरेक्टली अमाउंट ऑफ चार्ज वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास द वेट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। यहाँ पर वेट डिपॉजिट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, 1 कूलम। अगर यहाँ पर क्यू इक्वल टू 1 कूलम तो वेट कितना डिपॉजिट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर अगर हम डेफिनेशन की बात करें कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, चार्ज को अपने 1 कूलम रख देंगे तो जितना वेट डिपॉजिट हुआ वो इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जेड की वैल्यू आती है वो जेड की वैल्यू आती है ई अपॉन 96500। ई क्या है इसका, यहाँ पर ई हमारी सेल पोटेंशियल होगी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई यहाँ पर सेल पोटेंशियल, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी एक फेराडे चार्ज पास करते हैं तो इक्विवेलेंट के बराबर, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर एक इक्विवेलेंट अमाउंट डिपॉजिट होता है। यहाँ पर जो जेड है, जेड क्या है, ई अपॉन 96500। जेड क्या है, इक्विवेलेंट वेट 9650 क्या है, एक फेराडे कांस्टेंट है, मतलब फेराडे चार्ज, ये एक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको हम फेराडे से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला निकलता है आता है W इज इक्वल टू E इंटू क्यू अपॉन 96500। यहाँ पर करंट निकालने के लिए Q इज इक्वल टू IT होता है, तो चार्ज है, चार्ज से यहाँ पर चार्ज नहीं दिया मगर करंट दिया इतने टाइम के लिए, इतना करंट पास किया गया, न्यूमेरिकल इस पर जरूर आएंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट इज इक्वल टू ई आई करंट कितना था, कितने टाइम के लिए पास करा, रिमाइंडेड करंट विल बी इन सेकेंड्स, जो करंट हम रखेंगे वो सेकेंड में होगा। तो वर्क डन अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500, इतना ही वेट यहाँ पर आ जाएगा। और 1 अपॉन 96500 की वैल्यू जो होती है 1.03 × 10⁻⁵ ये यहाँ पर वैल्यू होगी। 1 अपॉन 96500 की वैल्यू 1.03 × 10⁻⁵ होगा। 1 अपॉन 96500 की वैल्यू 1.03 × 10⁻⁵ ये इस पर न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। अब हम बात करते हैं फेराडे सेकेंड लोगा। इसकी जो डेफिनेशन है, मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम देन वेट डिपॉजिटेड एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। व्हेनेवर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड इन इलेक्ट्रो सेल इन इलेक्ट्रोलाइट सेल इज फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम देन वेट डिपॉजिटेड एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। W1 / W2 = U1 / U2 ये हमारे क्वेश्चन में यूज करना है। यहाँ से वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट ये रिलेशन आता है।
अब इसी तरह से स्कूल से थोड़ा सा बाहर हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे सिमिलरली गैस के लिए, तो गैस एट एस टी बी इज इक्वल टू, मतलब बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए वैसे यूज़ करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एट वॉल्यूम इक्विवेलेंट इनटू आई डी अपॉन 96500। यहाँ पर वॉल्यूम के लिए भी हो जाएगा। पर मैं इतना ही, आप इस एक बैटरी वाला पी डी एफ भी है तो उसमें एक नंबर है दो नंबर में, या फिर जो आजकल पैसेज टाइप क्वेश्चन चलने लगे हैं उसमें बैटरी का क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट ईयर सी बी एस ई के सैम्पल पेपर में भी बैटरी के ऊपर एक क्वेश्चन था, पैराग्राफ बना रखा था, उसके 5 क्वेश्चन थे। तो बैटरी वाली पी डी एफ भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर चेक करें और ज़रूर पढ़कर एक बार जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।